दोस्तों ऐसी बहुत ही कम फिल्में बनती हैं जिनके पहले पार्ट के रिलीज होने से पहले ही आपको उसके दूसरे भाग की जानकारी भी तुरंत मिल जाए। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिल्म देवरा के बारे में, जिसके टाइटल में ही लिखा है देवरा पार्ट वन। तो दोस्तों ये तो तय है कि आपको इस फिल्म का दूसरा भाग भी देखने को मिलने वाला है, और अगर इसका पहला पार्ट हिट हो जाता है तब तो इसका दूसरा भाग आना तय है। और दोस्तों टीजर में जो ब्लड मून वाला सीन दिखाया गया है, इस तरह का सीन तो हमने आज तक किसी हॉलीवुड की फिल्म में भी नहीं देखा था। फिल्म में इतना खून खराबा दिखाया गया है कि समंदर भी लाल हो गया है। तो इसका मतलब है मूवी में फाइट सीन कूट कूट के भरे गए हैं। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए बताया गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। एक खास बात और बता दूं कि हो सकता है कि फिल्म में आपको एनटीआर का डबल रोल देखने को मिल जाए, क्योंकि फिल्म में बाप बेटे के कनेक्शन को दिखाया गया है। जहां एक एनटीआर दुश्मनों से काफी डरता है, वो उनके नाम से भी कांपता है, तो वहीं पर दूसरा दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट देता है। फिल्म के टाइटल में ही पार्ट वन लिख देना, इसका मतलब है कि इस फिल्म के अंत में भी बाहुबली की तरह ही इसमें भी कोई सस्पेंस क्रिएट किया जाएगा, ताकि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में इसके दूसरे भाग को देखने की भी दिलचस्पी बनी रहे। फिल्म के बैकग्राउंड में प्रकाश राज जी इस फिल्म की स्टोरी को बता रहे हैं, और टीजर में उनके एक लुक को भी दिखाया गया है। लेकिन उनका फिल्म में क्या रोल है, वो क्या करने वाले हैं, वो विलन की साइड में है या हीरो की साइड में, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। टीजर के अंत में ये एक जबरदस्त सीन दिखाया गया है, कसम से पैसा वसूल मूवी है। अच्छी बात ये है कि ये फिल्म इसी 27 सितंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है, तो इस फिल्म के रिलीज होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। दोस्तों बढ़िया फिल्मों के रिलीज होते ही उनकी कहानियों को इस चैनल पर डाल दिया जाता है, तो अगर आप इस फिल्म की पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को भी दबा दें। मुझे उम्मीद है कि घंटे से आप मेरा मतलब समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।